दो पार्ट्स हैं ठीक है ठीके? तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझना और इसके पार्ट का रिलेशन भी समझना देखो इस चैप्टर का टाइटल कहता है मेमरीज ऑफ चाइल्ड हुड यानी बचपन की यादें आपको पता है बचपन की यादें हम सबकी ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हमारे बचपन के अंदर क्या क्या होता है वही कहीं ना कहीं हमें शेप करता है हमारे आज को आज हमारा बचपन ही बनाता है हमारा पास्ट ही बनाता है तो अगर हमारा बचपन में कोई ट्रॉमा होता है कोई एक ऐसी मेमोरी रह जाती है जो कि एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट uh, होती है तो वो हमें एज अ पर्सन भी शेप करने में मदद करती है अब पॉजिटिवली शेप करती है या नेगेटिवली ये तो उस मेमोरी पर डिपेंड करता है ऐसा ही कुछ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में भी हमने देखा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर हमने देखना है इनफैक्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर दो पार्ट्स है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है क्योंकि दोनों ही पार्ट्स में दो छोटी बच्चियां हैं और एक का नाम है जिद कला और दूसरे पार्ट में जो बच्ची है उसका नाम है बामा ये दोनों रिस्पेक्टिव राइटर्स भी हैं इस यू नो चैप्टर के पार्ट्स के अब ये दोनों बच्चियां जो है ये मार्जिनल कॉर्नर से आती है अपने अपने वर्ल्ड के तो जहाँ पर हम जिद कला को देखते हैं तो वो एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करती है जो मार्जिनलाइज्ड है और बामा एक ऐसी कास्ट को बिलोंग करती है जिसे यू नो लोअर कास्ट माना जाता है तो दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन का एक्सप्लाइटेशन का यू नो कह सकते हैं एक्सपीरियंस करती है अपने बचपन के अंदर ही नतीजा क्या निकलता है नतीजा ये है कि वो बड़े होकर उस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रही है इसके साथ साथ में वो बाकी और लोगों को भी जागरूक कर रही है और उस एक्सप्लाइटेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है जड़ से हटाने की कोशिश कर रही है तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एक ऐसी स्टोरी आ, या एक ऐसी स्टोरी लाइन पर डिपेंडेंट है जो हमें बताता है कि कैसे बचपन की यादें हम लोगों को शेप कर रही होती है और अगर उन यादों पे आ, यू नो लगाम नहीं लगाया जाए अगर हम लोग ये चीज़ नहीं देखें कि बचपन के अंदर आ, एक बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है तो वो किसी भी लेवल पर शेप हो सकता है नेगेटिवली पॉजिटिवली ठीक है तो ये हमारे इसका मैसेज रहेगा तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जो पहला पार्ट है हम पहले पार्ट पर फोकस करते हैं पहला पार्ट जो है वो लिखा है जितकला सान तो जितकला सान ने लिखा है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर इन्होंने लिखा है ठीक है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरली टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमन है जो कि एक्चुअली बहुत ही मेहनत करती हैं और जंग जीत जाती है यू नो you know, बहुत सारे लोगों के साथ में लोगों को जिता देती है एक ऐसी जंग जिसके अंदर प्रेजडिस थे बहुत सारे प्रेजिडिस बहुत सारे बायसेस थे आपको पता है कि बहुत बार लोग अपने कल्चर को बहुत बड़ा मानते हैं और किसी और के कल्चर को बहुत छोटा मानते हैं रिजल्ट ये निकलता है कि यू नो हम ये बिलीव करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं इनका कल्चर तो इतना ज़्यादा छोटा है कि आ, हम इन्हें डोमिनेट कर सकते हैं ये मार्जनलाइज लोग हैं ठीक है तो ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी जिद सा के साथ भी हुआ है जो कि कहीं ना कहीं ऐसा ही फील करती हैं कि अपना अप्रेस्ड फील करती हैं अपने कल्चर को छोटा फ़ील करती है एक डोमिनेटिंग कल्चर के सामने तो यहाँ पे वैसे अगर हम बात करें तो जिदकला कला शाह ने बहुत यू नो इस चीज़ को डिस्कस किया है आ, बहुत पार्ट्स में डिस्कस किया है और एक ही हिस्सा है जो हमारे सेलेबस में है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ठीक है अब ये वाला जो हिस्सा है ये उनके पूरे कहानी का उनके यू नो पूरे एक्सपीरियंस का सिर्फ़ एक हिस्सा है ठीक है तो आप इसे अच्छे से समझना अगर हम देखें ज़िद कला की तो जिद कला एक मार्जिलाइज कोने से आती है सोसाइटी के और उन्हें एक स्कूल के अंदर भर्ती करा दिया जाता है एडमिट करा दिया जाता है अब ये जिस स्कूल के अंदर अभी हैं वो स्कूल के अंदर एक अलग ही कल्चर प्रिवेल करता है एक डोमिनेटिंग कल्चर प्रिवेल करता है एंड वो उसके साथ में उतना ज़्यादा फ्रेंडली हो नहीं पाती हैं उतना उसे एक्सेप्ट कर नहीं पाती हैं उनका पहला ही दिन होता है अभी स्कूल के अंदर कि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ही हार्श होने लगते हैं पहले ही दिन की बात है जब यू नो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही होती है और हर जगह पे स्नो होती है अगर हम देखें तो पेड़ सारे जो है उनकी टहनियाँ पूरी खाली हो चुकी होती हैं उनको ऐसे सर्द दिन पर सुनाई देती है एक बहुत बड़ी बेल वो ब्रेकफास्ट की घंटी होती है एक बहुत ही बड़ी लाउड मेटालिक आवाज़ उनके दिमाग में एकदम से घुसती हुई जाती है उनके कानों में एकदम से घुसती हुई जाती है और फिर सुनाई देता है एक अजीब सा क्लैटर शूज का मानो जैसे कि उस बेल के बजते ही कोई एक यू नो एक सीरी शुरू हो गई करके सारे शूज जो है नीचे जा रहे हैं ऐसा लग रहा था जैसे कि खाली जमीन पे ये सारे शूज जो है एक अजीबी ताल में नाचते हुए जा रहे हैं बहुत सारे नॉइसेस यहाँ पर थे बहुत सारे लोग थे जो बात कर रहे थे इंग्लिश में जद कला सा इंग्ग्लिश के साथ फमीलियर नहीं थी आसपास बात करने वाले लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे वो इस तरीके से इस पूरे आवाज़ इन पूरी नॉइजेस से घिरी हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी तरीके से जकड़ दिया है इन सारी आवाज़ों ने उन्हें अच्छा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप को टूटा हुआ पा रही थी क्योंकि अपनी मम्मी से अलग होकर आई थी आपको तो पता ही है कि जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा मम्मी के लिए ही रोता है अपने घर के लिए रोता है अपनी कंफर्ट जोन के लिए रोता है ऐसे कुछ यहाँ पर भी हुआ था वो सिर्फ ये चाहते थे वो सिर्फ ये चाहती थी कि यार मुझसे मेरी फ्रीडम ही छीन ली गई है यार ये क्या है मतलब मेरे को ऐसे स्कूल के अंदर क्यों डाल दिया गया है जो मेरे कल्चर का भी नहीं है ठीक है मैं ऐसे स्कूल के अंदर क्या कर रही हूँ वो ऐसा बार बार अपने आप को क्वेश्चन करती हैं उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे आ, एक पेल फेस वुमन है जिनके बारे में वो बताती है उनके सफ़ेद बाल है और वो सारी वो 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 हमारे पीछे आ रही थी सारी लड़कियों को एक लाइन के अंदर प्लेस कर दिया जाता है और सबको कहा जाता है कि डाइनिंग रूम के अंदर जाओ यहाँ पर इंडियन गर्ल्स थी उन्होंने एकदम टाइट टाइट जूते पहने हुए थे बहुत ही अजीब सी टाइट आ, कपड़े पहने हुए थे ठीक है छोटी लड़कियां जो थी उन्होंने स्लीव्ड एपरून्स पहने हुए थे और छोटे छोटे बाल रखे हुए थे मैं भी वहां पे जा रही थी मैं तो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी इसलिए आवाज़ नहीं कर रही थी क्योंकि मैं तो मेरे सॉफ्ट से यू नो बेड वाले जूतों के अंदर थी और जैसे ही मैं आराम से फ्लोर पे चल रही थी मेरा धीरे 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 जो ब्लैंकेट है जो मैं लेकर नीचे जा रही थी मैं मेरा आराम से शॉल अपना ब्लैंकेट अपनी रजाई नीचे लेकर जा रही थी तो जैसे जैसे उतरते जा रही थी ब्लैंकेट मेरे हाथ से छूटे जा रहा था फिर मैंने उन इंडियन गर्ल्स को देखा जो वहाँ पर मौजूद थी ठीक है जो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि उनको कोई चीज़ की कोई परवाह है उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से ड्रेस थी मतलब मैंने तो चलो कुछ भी नहीं मैंने कम से कम मैं एक ब्लैंकेट लेकर आ गई थी पर वो तो बहुत ही इमोडेस्टली ड्रेस थी जैसे ही हम अंदर जा रहे थे वहाँ से कुछ लड़के भी आए ऑपोजिट डोर से और मैंने वहाँ पर तीन यंग ब्रेव लड़कों को देखा बच्चों ये तीन यंग ब्रेव्स क्यों बोला इसलिए बोला क्योंकि ये जो स्कूल है इस स्कूल के अंदर बहुत हार्श तरीके से आपको डोमिनेटिंग कल्चर में ढाला जाता है बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहां से भागने की भी कोशिश करते हैं कमाल की बात तो ये है कि यहाँ से भागने भी नहीं दिया जाता है आप भाग भी नहीं सकते हो क्योंकि कोई चारा ही नहीं है आपके पास में यहाँ से निकलने का और यहाँ पर ऐसा ही कुछ होता है ये तीन बच्चे जो है ये भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और पकड़े जाते हैं तो अभी इनको एकदम बढ़िया सी पनिशमेंट जो है वो मिली हुई है और यहाँ पर सामने जितकला शाह सा उन्हें देखती हैं। वो देखती है कि यार वो भी बहुत ही अनकंफर्टेबल है जितकला साह भी बहुत अनकंफर्टेबल है फिर इतने में एक छोटी सी घंटी फिर से बच जाती है सारे के सारे लोग चेयर को खींचते हैं टेबल के अंदर से निकालते हैं और इसका मतलब ये था कि भाई अभी हमें बैठ जाना है मैं भी बाहर निकाल ली मैंने भी मेरी, मेरी चेयर को बाहर निकाला और मैं भी उसमें बैठ गई बट जब मैंने आसपास देखा तो मैंने देखा कि मैं ही थी जो बैठी हुई थी बाकी सारे लोग अभी भी वहीं पर खड़े हुए थे अब मैं जैसे खड़े होने लगी आसपास थोड़ा शर्मा के तो इतने में एक और बैल बज गई और जैसे ही वो बैल बजी सारे के सारे लोग बैठ गए तो मैं भी चुपचाप वहां पर बैठ गई इतने में मैंने एक इंसान की आवाज सुनी वो इंसान जो है कुछ कह रहा था और मैंने देखा आसपास पास की आवाज किसकी आ रही है कौन बात कर रहा है बट मुझे पर एक्चुअली सिर्फ ये नजर आ रहा था कि सारे लोग अपने प्लेट्स के अंदर देख रहे थे मैंने देखा कि वो औरत जो पेल फेस थी, जिसके सफेद बाल थे वो मुझे ही देख रही थी मुझे ही घूर रही थी फिर क्या हुआ फिर एकदम से मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली मुझे लगा याराई भाई मेरे को इतने इतने खतरनाक तरीके से क्यों घूर रही है अब जैसे ही उस इंसान ने अपना बड़बड़ाना बंद किया तो थर्ड बेल जो है वो बच गई सारे लोगों ने अपने छूरे काटे आ, उठा कर खाना शुरू कर दिया पर मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर गई थी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपने आप को कहाँ पर फंसा लिया था ये क्या था भाई ये ईटिंग बाय फॉर्मूला क्या चीज़ है ये क्यों हम लोगों को खाने से पहले भी एक फार्मूला चाहिए ये बेल वो बेल क्या चल रहा है ये शायद मेरे फर्स्ट डे का सबसे बुरा ट्रायल था ये फिर सुबह गुजरी थोड़ी बहुत तो मैं मेरी दोस्त से मिली मेरी मेरी दोस्त जुडविन जो है उसने मुझे एक बहुत ही बड़ी आकर धमकी दी चेतावनी दी जुडविन ने कहा बोला कि देख यार मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और जितना मैं समझ पाई हूँ वो जो पेल फेस वुमन है वो क्या कर रही थी वो बात कर रही थी कि सारे बच्चों के जिनके लंबे बाल हैं उनके छोटे छोटे बाल कर दिए जाएंगे अब वो आकर जैसे ये बताती है तो जिदकला कला शाह को बहुत बुरा लगता है असल में बात यह है कि जिदकला कला कहती है कि हमारी मदर्स ने हमें ये सिखाया है कि ऐसे लोग जो अनस्किल्ड वॉरियर्स है ऐसे लोग जो कि स्किल्ड नहीं है ऐसे वॉरियर्स जो कि पकड़े जाते हैं जिनको कैप्चर कर लिया जाता है केवल उन्हीं के बालों को एनिमी जो है दुश्मन जो है वो काटता है हमारे कम्युनिटी के अंदर छोटे बाल या तो उन लोगों के होते हैं जिनका कोई गुजर गया है या फिर उन लोगों के जो डरपोक हैं मैं छोटे बाल कभी भी नहीं कराऊंगी मैं छोटे छोटे बाल नहीं रखूंगी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में ये डिस्कशंस किए और डिस्कशंस करने के बाद में जुडविन ने हार मान ली उसने कहा देख यार तू जो कह रही है वो सब सच है बट मामला ये है कि हमें यहाँ पर सबमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रांग है पर मैंने भी कह दिया नहीं मैं बिल्कुल भी सबमिट नहीं करूंगी पहले मुझे स्ट्रगल तो करने दो मेरे को फाइट तो मारने दो और फिर जब मुझे कोई नहीं देख रहा था मैं भी चुपके से ऊपर की तरफ भाग गई मैं सीढ़ियों पर चढ़ी पर मेरे जूते इतनी आवाज कर रहे थे इतनी आवाज कर रहे थे क्या बताओ वो एक्चुअली मेरे बेड वाले शूज को मेरे वो स्टिफ शूज के साथ में चेंज कर दिया था फिर मैं हॉल से गुजरते हुए धीरे 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 जा रही थी और इतने में सामने मुझे एक खुला दरवाजा दिखा एक बड़ा सा रूम था वाइट बेड्स थे विंडोज अभी पूरे डार्क ग्रीन कर्टन के साथ कवर्ड थी तो मैं उस रूम में जो बहुत ही ज्यादा डिम था जाकर छुप गई मैंने देखा यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैं सबसे दूर वाले कोने में जाकर बैठ गई वो सबसे दूर वाला कोना जो है वो बेड के नीचे से होकर जाता था तो मैं बेड के नीचे सबसे दूर वाले कोने में जाकर बैठ गई थी एक बहुत ही डार्क कॉर्नर में मेरी हाइडिंग प्लेस से जब मैं बाहर देख रही थी एकदम कप कपाती हुई तो मुझे ऐसा दिखता था मैं डर मैं डर जाती थी मैं कांपने लगती थी जब भी मुझे थोड़ी सी आवाज़ें थोड़े फुटस्टेप्स ऊपर आते हुए दिखते थे वैसे तो हॉल में बहुत सारी आवाज़ आ रही थी सब लोग मेरा नाम बुला रहे थे पर अब अब तो जुड़विन भी मेरा नाम बुला रही थी बट फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया अब धीरे धीरे वो जो आवाज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती गई तेज़ी से मेरी तरफ आती गई वो वो आवाजें मेरे करीब आ रही थी मेरे करीब आ रही थी मेरे करीब आ रही थी फिर कुछ औरतें और कुछ लड़कियां मेरे रूम में आई मैंने मैंने तो अपनी सांस भी रोक ली थी मैंने देखा किस तरीके से उन्होंने अलमारियां खोलकर मुझे चेक करना शुरू कर दिया कैसे वो बड़े बड़े पेटियों के अंदर मुझे देख रहे थे भगवान जाने किसने कर्टन्स को हटा दिया और रूम के अंदर रोशनी हो गई मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने बेड के नीचे झुक के देखा अरे कौन देखता है बेड के नीचे झुक के उसके बाद मुझे याद है मुझे घसीट के बाहर निकाला गया था मैंने बहुत किक किया बहुत स्क्रैच किया बट कुछ नहीं हुआ मुझे घसीट के नीचे ले जाया गया और एक चेयर पर बांध दिया गया मैं जोर जोर से रोई मैंने अपना सर जोर जोर से हिलाया उसके बाद मुझे याद है कि मुझे ठंडी सिजर जो है ब्लेड जो है वो अपने गर्दन पर फील हुई मैंने देखा किस तरीके से उन्होंने बेरहमी से मेरा एक बड़ा सा यू नो ब्रेड जो है चोटी जो है वो काट दिया अब तो मेरी स्पिरिट जा चुकी थी बहुत बुरा लग रहा था ऐसा लग रहा था जब से मेरी मम्मी से अलग हुई हूँ तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही झेली है लोग मुझे घूर रहे थे मुझे इस तरीके से यू नो उछाला जा रहा था हवा में जैसे कि मैं कठपुतली हूं और मेरे मेरे लंबे बाल जो है अब एक छोटे डरपो इंसान साथ टायर इंसान के बालों जैसे हो गए थे मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी अपनी मम्मी को आवाज़ लगा रही थी पर कोई नहीं आया मेरी मदद किसी ने भी नहीं की अरे एक इंसान ने भी नहीं की कोई इंसान बैठकर मेरे साथ क्वाइटली मुझे वैसे कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा था जैसे मम्मी कराती थी अब तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आई वॉज ओनली वन ऑफ द मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन योर बाईट ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी इन बाकी सारे छोटे छोटे जानवरों जैसी हूँ जिन्हें एक हर्ड रड जो है वो चलाता है और चलने पर हमें चलना पड़ता है और रोकने पर हमें रुकना अब मैं किसी और के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी तो ये कहानी है सा की एंड इंटरेस्टिंगली इसके बाद में जब हम लोग इनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि इसी इंसिडेंट ने उन्हें एक्चुअली बहुत टफ बनाया और उन्होंने फाइट किया ना तो सिर्फ अपने लिए बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत सारे बच्चों के लिए एंड अपने लिए उन्होंने एक नाम कमाया इनफैक्ट उन्हें जाना ही इसलिए जाता है अब वी आर नॉट वी आर वी टू आर ह्यूमन बींग्स जो है इसे लिखा है बामा ने बामा एक्चुअली एक पेन नेम है तमिल दलित वुमन का ठीक है जो कि एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने बहुत बहुत सारे अपने वर्क्स के अंदर इस इंसिडेंस को शेयर किया है बहुत ही कमाल का इंसिडेंस है एक्चुअली बामा बताती हैं कि वो थर्ड क्लास में पढ़ रही थी और उन्होंने लोगों को आज तक अनटचेबिलिटी के बारे में खुले में बात करते हुए सुना तक नहीं था मतलब उन्हें पता नहीं था कि अनटचेबिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है हाँ हो सकता है कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को देखा हो फील किया हो एक्सपीरियंस किया हो उनको शर्मिंदगी भी हुई हो पर उन्होंने कभी अनटचेबिलिटी को देखा नहीं था उनकी उनको पता नहीं था कि इसको अनटचेबिलिटी कहते हैं एक बार की बात है वो यू नो you know, घर जा रही थी स्कूल से एकदम यू नो ओल्ड बैग अपने शोल्डर पे लगा कर एक्चुअली वैसे वो अपने स्कूल से घर दस मिनट के अंदर जा सकती थी बट यूजुअली उन्हें तीस मिनट लग जाते थे घर पहुंचते पहुंचते ठीक है कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि आधा घंटे से एक घंटा भी लग जाता था जब वो आस में सारी सारी चीज़ें देखती हुई आती थी वो सारे फन गेम्स देखा करती थी ठीक है वो एंटरटेनिंग नॉवल्टीज देखा करती थी देखती थी स्ट्रीट पर क्या क्या चल रहा है शॉप्स देखा करती थी बाजार देखा करती थी देखती थी किस तरीके से बंदर परफॉर्म कर रहा है किस तरीके से मदारी जो है अब बंदर को परफॉर्म करवा रहा है किस तरीके से सपेरा जो है वो सांप को नचवा रहा है हाँ इसके साथ में मैं देखती थी कि कैसे साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल करे जा रहा है और तीन दिन से साइकिल करे जा रहा है लोग उसको आराम से चेयर कर रहे हैं अरे भाई तू कर सकता है तू कर सकता है हाँ तो ये मैं देख रही थी मैंने देखा कि यहाँ पर जो टेम्पल है उसमें एक बड़ी सी बेल लगी हुई है किस तरीके से वो बजाई जा रही है वहाँ पर पोंगल की ऑफरिंग्स मिल रही है टेम्पल के सामने कैसे यू नो गांधी जी के स्टैचू के पास में ड्राइड फिश की स्टॉल लगाई हुई है एक स्वीट की स्टॉल लगाई हुई है कुछ एक ऐसी स्टॉल लगाई हुई है जहाँ पे फ्राइड स्नैक्स मिल रहे हैं बाकी सारे शॉप्स भी है एक दूसरे के आमने सामने स्ट्रीट लाइट किस तरीके से हमेशा ब्लू से वायलेट हो जाती है हमने देखा कि हंटर जिप्सीज जो है वो बाहर निकलते हैं अपने वाइल्ड लेमूर को लेकर केजेस के अंदर नीडल्स बेचते हैं क्ले बीज बेचते हैं अपने कान साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे होते हैं अरे इतनी सारी चीजें दिखती है मैं आपको क्या बताऊं हर चीज मुझे रोक लेती थी हर जगह मैं रुक जाती थी और मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती थी कभी कभी तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते थे और आकर वहां पर स्टेज लगाकर आराम से सारे लोगों को माइक से बात करते थे हाँ हम गरीबी हटाएंगे हम गरीबी हटाएंगे फिर उसके बाद में कभी स्ट्रीट प्लेज होते थे कभी पपेट शोज होते थे कभी नो मैजिक नो मेराकल शोज हुआ करते थे तो ऐसी चीजें होती रहती थी ये सारी चीजें टाइम टू टाइम होती थी बट कोई ना कोई तरीके का एंटरटेनमेंट तो चलता रहता था ये गारंटीड है अच्छा इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कॉफी क्लब्स देखने को मिलेंगे बाजार में हर एक वेटर कॉफी को अलग तरीके से जगल करके ठंडा करता था बनाता था बड़ा मजा आता था उसको देख कर, ठीक है कुछ लोग आराम से शॉप के बाहर बैठकर कर प्याज काट रहे होते थे उनकी आंखें एकदम से अलग तरीके से और फिर प्याज काट रहे होते थे ताकि उनकी आंखें ना चले कहीं पर आमंड ट्री गिर रहा ग्रो हो रहा है जहाँ से यू नो आमंड गिर रहे हैं ठीक है कहीं पर यहाँ पर आपको मतलब तो तो ये सारी चीज़ें रोक लेती थी घर जाने से पहले हाँ सीजन के अनुसार कभी कभी मैंगो के ट्रीज दिखते थे क्योंकि दिखता था शुगर केन दिखता था स्वीट पटेटो पाम श्रूट ग्राम पाम सिरप पाम फ्रूट गुआवास जैक फ्रूट ये सब कुछ अवेलेबल था सीजन पे डिपेंड करता था ये अलग अलग फ्रूट्स देखती थी अलग अलग पेड़ देखती थी बड़ा मज़ा आता था एवरी डे मुझे कोई ना कोई इंसान मिठाई बेचता हुआ कोई ना कोई इंसान नमकीन बेचता हुआ दिखी जाता था कहीं पर खीर बन रही होती थी कहीं हलवा बन रहा होता था कहीं पर चारमिन की सीड्स बॉईल हो रहे होते थे और कहीं तो आइसड लॉलीज भी मिलती थी बड़ा मज़ा आता था उन आइसड लॉलीज़ को खा के ये सारी चीज़ें यहाँ तो मैं देखती रहती थी एक दिन मतलब यू नो ऐसे देखते देखते मैंने देखा मैं मेरी स्ट्रीट पर आई वहां पर अभी भी मेरा बैग मेरे शोल्डर पे था और ऑपोजिट कॉर्नर पे एक थ्रेशिंग फ्लोर बना हुआ था एक ऊपर ऐसे इस तरीके से फ्लोर बना हुआ था थोड़ा हाइट पे मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ लैंडलॉर्ड जो है वो वहाँ पर बैठ और सारे लोगों को काम करते हुए देख रहा है ठीक है उसने वहां पर आ, एक पेपर के ऊपर एक एक यू नो एक कह सकते हैं स्टोन की लेज के ऊपर एकदम अपना पूरा जमा लिया और वहीं पर वो बैठा है सारे पीपल हमारे लोग जो है बेचारे बहुत ही हार्ड वर्किंग होते थे आ, कभी कैटल को पैर में चलाया करते थे राउंड 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 उनका काम ना बड़ा अच्छा था ग्रेन को स्ट्रॉ से निकालना ठीक है तो ये सारा काम वो किया करते थे बड़े हार्डवर्ग हार्ड वर्किंग तरीके से एनिमल को भी मजल किया जाता था उनके मुंह पर बांध दिया जाता था ताकि वो खाते ना जाए बड़ा मजा आता था ये देख कर के किस तरीके से ये सारे काम किए जाते हैं तो जब मैं ये देख रही थी तो इतने में हमारे ही स्ट्रीट का एक एल्डर मुझे दिखा एक एल्डर मुझे दिखे ठीक है वो बाजार के तरफ से आ रहे थे और वो बड़े अजीब तरीके से चल रहे थे उन्हें देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी मैं तो हंस के लोटपोट होना चाहती थी अरे इतना बड़ा इंसान इतने छोटे से पैकेट को ऐसे ऐसे लेकर आ रहा था मुझे तो ऐसा लगा कि पैकेट में है क्या फिर मैंने देखा कि शायद, शायद इसमें वाई या फिर ग्रीन बनाना भाजी है फिर मैंने पैकेट को नोटिस किया तो उसमें वदई या ग्रीन बनाना भाजी थी फिर मैंने देखा कि ये इनको इसको ऐसे क्यों उठा रहे हैं हाँ उसको टच क्यों नहीं कर रहे हैं? इसे स्ट्रिंग से क्यों उठा रहे हैं अपने आप में वहाँ खड़ी रही और सोचती रही कि इस तरीके से तो ये पैकेज खराब हो जाएगा पैकेट खुल जाएगा और वदाई भी नीचे गिर जाएंगी तो ये यू नो हमारे स्ट्रीट के एल्डर ऐसे क्यों चल रहे हैं फिर उसके बाद में वो एल्डर गए लैंडलॉर्ड के पास में नीचे झुके और उस पैकेट को स्ट्रिंग से ही दे दिया उस दूसरे इंसान ने दूसरे हाथ से उसे लिया और वधाई खाने लग गया ये सब कुछ देखकर मैं बड़ी हैरान हुई और हैरान होकर मैंने ये सब कुछ अपने भाई को बताया घर जाके मैंने उसे बताया कि किस तरीके से वो इंसान बड़े अजीब तरीके से चल रहा था और वधाई को कैरी कर रहा था मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये जो है ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं था ना ही वो इंसान मज़ाक उड़ा रहा था इनफैक्ट वो पैकेज को इस तरीके से इसलिए लेकर चल रहा था क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे कम्युनिटी के लोग लोअर क्लास में या लोअर कास्ट में फॉल करते हैं जिसका मतलब ये है कि हमें कोई भी नहीं छूता अगर कोई हमें छू ले या हम उनकी कोई चीज़ को छू ले तो वो दूषित हो जाती है तो वो पल्यूट हो जाती है और इसीलिए वो उस पैकेज को स्ट्रिंग से पकड़ कर ले जा रहा था जब मैंने ये सुना तो मैं अब हंसना नहीं चाहती थी इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है अरे वदई कैसे पल्यूट हो सकती है अगर वदई पहले बनाना लीफ में रैप की गई फिर पेपर में डाली गई हाँ मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं जाकर उन वदई को खुद ही अपने हाथों से टच करके एकदम पूरा पल्यूट करना चाहती थी ये लो वदई एक तो इन लोगों के लिए जाकर कुछ लेकर आए और क्यों लेकर आए नहीं क्यों करते हैं हम लोग इन लोगों के लिए ऐसा हाँ इतना इम्पोर्टेंट इंसान हमारे कम्युनिटी का इतने बड़े इंसान हमारे कम्युनिटी के एक लैंड लॉर्ड के लिए जाते हैं और वहां पर जाकर उसके लिए ये सारी चीजें लेकर आते हैं और 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 ये क्या करता है बस बैठता है और बैठकर खाता है इतना बड़ा इंसान उसके सामने झुकता है और झुक उसको देता है और वो बैठकर आराम से खा रहा है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे तो ये देखकर अपने आप को समझते क्या है ये लोग हाँ केवल चार पैसे कमा लिए चार पैसे क्या कमा लिए इनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ह्यूमन फी, फीलिंग्स नहीं है अरे पर हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं आप ही आप ह्यूमन बींग्स थोड़ी हो हमारे लोगों को तो ऐसे लोगों के लिए काम ही नहीं करना चाहिए अरे हम इनके फील्ड्स पे काम करते हैं तो क्या हम लोगों को पैसा को ये मुफ्त का थोड़ी देते हैं हम इनके फील्ड्स पे काम करते हैं तब जाकर हमें पैसा मिलता है फील्ड्स पे काम करो पैसा लो और बात खत्म इनके लिए छोटे मोटे काम करना बंद कर दो मेरा भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो हॉलीडेज के लिए यहाँ आया था वो बताता है कि वो पास ही के गाँव में लाइब्रेरी में जाया करता है वहां पर वो बुक्स बोरो कर लेता है एक दिन की बात है वो घर की तरफ आ रहा था कि वहां पे इरिगेशन टैंक के सामने से वो गुजरा उसके पास से वो गुजरा वहां भी लैंडलॉर्ड के इंसान बैठे हुए थे उन्होंने कहा हु आर यू अपा वट्स योर नेम कहा अपा तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है तो अन्ना ने उनका नाम बता दिया तो इमीडिएटली दूसरे इंसान ने पूछा तांबी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव बोला अच्छा ये बताओ कि तुम कौन सी जगह पर रहते हो द पॉइंट ऑफ दिस वॉज एक्चुअली ये नाम और स्ट्रीट पूछने का पॉइंट ये था कि वो पूरे नाम से ये जानना चाहते थे कि अन्ना की कास्ट क्या थी और स्ट्रीट से भी ये जानना चाहते थे कि हम कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहते बिलोंग करते थे ताकि वो ये देख सके कि अन्ना कहीं यहाँ पर इस पूरे पानी को दूषित तो नहीं कर देंगे अन्ना ने ये सारी बातें मुझे बताई और उन्होंने कहा कि देखो बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवेन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट वी आर स्ट्राइप ऑफ ऑल दैट बोला देखो क्योंकि हम ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं इस वजह से हमें कभी भी इज्जत नहीं मिलती है हम लोगों से इज्जत छीन ली जाती है हमें कभी भी कोई रुतबा नहीं मिलता है बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इन डिग्निटीज पर अगर हम पढ़ाई करेंगे हम मेहनत करेंगे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम इन सारी बेजतियों से छुटकारा लेंगे सो स्टडी विथ केयर एंड लर्न ऑल यू कैन तो अच्छे से पढ़ाई करो और जितना सीख सकती हो सीखो आपको हमेशा अपने लेसन्स में आगे रहना है तो फिर देखना फिर लोग अपने आप आपके पीछे पीछे आएंगे वर्क हार्ड एंड लर्न मेहनत करो और सीखो ये जो वर्ड्स अन्ना ने मुझे उस दिन कहे थे इन इनका मेरे दिमाग पर एक बहुत ही गहरा असर हुआ उसके बाद मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की पागल ही हो गई पढ़ते पढ़ते <laughs> जैसे कि अन्ना ने मुझे करने के लिए कहा था मैं मेरे क्लास में फर्स्ट आई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बने अब बेचारी बामा थर्ड क्लास में थी जब उसने अनटचेबिलिटी का मतलब सीखा सोचो इतने छोटे से दिमाग पर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट डालकर हम लोगों ने एज अ सोसाइटी क्या किया हम लोग एज अ सोसाइटी फेल हो गए इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में अनटचेबिलिटी नाम का बीज बो दिया अगर यहाँ पर बामा को यू नो ऐसी कंडीशनस ही नहीं देखनी पड़ती हम ऐसी एज अ सोसाइटी हम ऐसा एक बच्चे को कंडीशन नहीं देते तो शायद बामा के दिमाग में ऐसा कभी आता ही नहीं कि वो ये करेगी तो उसे यू नो फ्रेंड्स मिलेंगे वो ये करेगी तो उसे सोसाइटी में अप्रूवल मिलेगा रेकग्निशन मिलेगा उसे मेहनत करनी पड़ रही है ताकि सोसाइटी में उसे रेकग्निशन मिले अप्रूवल मिले और ये दिमाग में उसके डाला है अनटचबलिटी के सोशल ईवल ने और इस सब के हम लोग हम सारे एज अ सोसाइटी जिम्मेदार हैं तो बच्चों हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब छोटा बच्चा हमारे आसपास हो तो उसे एक्चुअली इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे किसी ट्रॉमा से हम ना गुजरने दें जो कि उसे एज एन अडल्ट गलत तरीके से शेप कर दे दोनों बच्चियों ने अपने ट्रॉमास को अच्छे यू नो अपॉर्चुनिटीज समझकर उन उनसे बड़ा कुछ क्रिएट कर लिया बट बहुत बार ऐसा लोग करते नहीं है जिसकी वजह से दंगे फसाद और उसके बाद में हम लोग टॉक्सिक एडल्ट्स को जन्म देते हैं जो कि गलत है हमारी सोसाइटी के लिए सो दैट्स इट फॉर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा uh, इसके साथ में अगर आप चाहें तो आप uh, मेरे साथ पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं संकल्प इंग्लिश में ठीक है तो संकल्प इंग्लिश का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलना यहाँ पर आपको सारे लाइव क्लासेस के साथ में मॉक टेस्ट के साथ में ई बुक्स के साथ में नोट्स यू नो you know, आपके प्रैक्टिस शीट्स और बहुत कुछ मिलने वाला है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एच डी सी एटीन लगा कर वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसको अवेल करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके इसके साथ हमारा प्लेलिस्ट हो गया है ख़त्म कीप रिवाइजिंग ऑल द बेस्ट